हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मोनोसिस्ट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो मोनोसिस्ट और स्पीसीज क्या है? एजिलिस, यानी मोनोसिस्टिस एजिलिस कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, इनका शेप कैसा होता है, कितने साइज़ के होते हैं। तो मोनोसिस्टिस जो एजिलिस है, ये कैसा जंतु है? आपका पैरासाइट होता है। और क्या पैरासाइट हमने बताया था आपको, दो तरह के होते हैं, एक इक्टो पैरासाइट होते हैं, एक इंडो पैरासाइट होते हैं। तो ये कैसा पैरासाइट है? आपका इंडो पैरासाइट है। और कहाँ पाया जाता है? केचुए में पाया जाता है। अब केचुए के बॉडी में किस पार्ट में पाया जाता है? तो केचुए के बॉडी में सेमिनल वेसिकल, यानी जो शुक्राशय होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल उसे कहते हैं जहाँ पर स्पर्म बनता है। तो कहाँ पाया जाता है? ये केचुए के सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है। तो ये कैसा जंतु है? पैरासिटिक है, इंडो पैरासाइट। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देख लें। फाइलम, किस फाइलम में रखा गया है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में कैसे एनिमल्स थे आपके, कैसे एनिमल आते हैं? प्रिमिटिव टाइप के और एक कोश की। तो ये कैसा होगा? एक कोश की होगा, मतलब बिल्कुल सिंपल और यूनिसेलुलर, यानी एक सेल का बना होगा। सब फाइलम क्या है इसका? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में वो जंतु रखे जाते थे जो पैरासाइट होते हैं। तो आप ऐसे भी जान गए कि ये कैसा होगा? पैरासिटिक होगा। तो फाइलम क्या हो गया? प्रोटोजोआ। सब फाइलम क्या हो गया? स्पोरोजोआ। क्लास क्या हो गया इसका? टीलोस्पोरा। और ऑर्डर क्या हो गया? यूग्रेग्रीनिडा। यूग्रेग्रीनिडा ऑर्डर हो गया इसका। जीनस क्या हो जाएगा? मोनोसिस्टिस। और स्पीसीज क्या हो जाएगी? एजिलिस। तो जीनस और स्पीसीज को हम अंडरलाइन करके लिखते हैं, क्योंकि इटैलिक लिखा जाता है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये तो था इनका क्लासिफिकेशन। अब हम देख लें ये कहाँ पाया जाता है। हैबिट एंड हैबिटाट इसका क्या है? तो ये कैसा है? इंडो पैरासाइट होता है। और कहाँ पाया जाता है? ये केचुए के सेमिनल वेसिकल में। तो यह केचुए के शुक्राशय, शुक्राशय को क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है। स्ट्रक्चर और साइज़ इनका, यानी इनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम देख लें और साइज़ कैसा होता है। तो ये मोनोसिस्ट की एडल्ट अवस्था जो है, होस्ट के तंतु को खाकर जो वृद्धि करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोजॉइट बोलते हैं। यानी जो मोनोसिस्ट होता है वो क्या कहलाता है? ट्रोफोजॉइट कहलाता है। अब यह कैसा होता है ट्रोफोजॉइट? मींस ये क्या हो गया आपका? ट्रोफोजॉइट है। आप यहाँ पे दो फिगर देख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो मोनोसिस्ट का फिगर क्या है? एडल्ट का ये फिगर है। तो ये कैसा मोनोसिस्ट क्या कहलाएगा? जो वृद्धि करेगा और जो केचुए में एडल्ट स्टेज में रहेगा, वो क्या कहलाएगा? ट्रोफोजॉइट कहलाता है। ये लंबा स्पाइंडल शेप, स्पाइंडल शेप मीन्स आगे और पीछे जो है वो थोड़ा थोड़ा पॉइंटेड होता है। तो स्पाइंडल शेप्ड होता है और डॉर्सल वेंट्रल से चपटा होता है। डॉर्सल साइड मीन्स आप इस साइड से और इसके नीचे साइड से कैसा होगा? वो चपटा होगा। और वॉर्म के समान मीन्स जैसे कीड़े होते हैं वैसे, वॉर्म के समान एक कोश के, यानी यूनिसेलुलर। और कितना लंबा होता है? लगभग 500 माइक्रोन लंबा और 40 माइक्रोन चौड़ा होता है। मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कितने माइक्रोन? 500 माइक्रोन लंबा हो गया। और ये जो चौड़ाई हो गई इसकी, ये कितनी हो गई आपकी? 40 माइक्रोन चौड़ा होता है। अब यहाँ पे आप दो फिगर देख रहे हैं, एक और फिगर देख रहे हैं, ये डिफरेंट है, ये भी ट्रोफोजॉइट है। तो ये क्या है आपका? यंग ट्रोफोजॉइट है। मीन्स जब न्यूली नया नया ट्रोफोजॉइट अभी बन रहा होगा, तब इसे क्या कहेंगे? यंग ट्रोफोजॉइट कहेंगे। और ये कैसा आपको दिख रहा है? सीलिया जैसे, मीन्स जैसे लग रहा है कि ये सीलिया निकले, लेकिन ये सीलिया नहीं है, ये क्या है? स्पर्म की टेल है। तो नया बना ट्रोफोजॉइट यानी यंग ट्रोफोजॉइट, ये कैसा होता है? छोटा, गोल और लगभग अंडाकार होता है, जो स्पर्म को खाता है। और ये जल्दी जल्दी क्या करेगा? स्पर्म को खाएगा। और जो मृत शुक्राणु, जो मरे हुए, ये खा जाता है तो पूरा नहीं खा पाता, मीन्स इसकी स्पर्म की जो टेल है वो बाहर रह जाती है। तो मृत शुक्राणुओं की पूंछ जो है वो चारों ओर लगी होने के कारण, मीन्स चारों तरफ लगी होती है, ये कैसा दिखाई देता है?
सीलिया से ढका दिखाई देता है। आप फिगर में भी देख रहे हैं, जैसे ये लग रहा है ना कि यहाँ किनारे किनारे ढेर सारे सीलिया निकले हैं, लेकिन ये सीलिया नहीं है, ये क्या है आपका स्पर्म टेल है। तो कैसा दिखाई देगा, ये सीलिया के समान दिखाई देता है। और ये कितना लंबा होता है, लगभग 5 माइक्रोन लंबा, और कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होगा, मीन्स 5 माइक्रोन लंबा होगा और माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। ये एडल्ट वाला कैसा है आपका, मीन्स नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन ये जो यंग ट्रोफोजॉइट है वो 5 माइक्रोन लंबा है और माइक्रोस्कोपिक होगा, यानी माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे। जब हम केचुए के सेमिनल वेसिकल को डिसेक्ट करेंगे तब हमें उसमें ये दिखाई देगा। अब हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देख लें, मीन्स बॉडी कैसा, अभी हम आपने शेप देखा, शेप कैसा है, स्पैंडल शेप यानी तुरकाकार का है, और चारों तरफ कैसी बॉडी है इसकी, आगे पॉइंटेड है और पीछे पॉइंटेड है, बीच में क्या है आपका चौड़ा है। अब इसके हम बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देख लें कि इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या, पहले किल हम देख लें, पहले किल हम देख लेते हैं। तो बॉडी के जो चारों ओर यानी जो बॉडी सरफेस है इनकी, वो किससे घिरी होती है, पेलिकल से घिरी होती है। तो बॉडी के चारों ओर इसके ऊपर जो है वो बॉडी के क्या जो लेयर पाई जाती है सबसे बाहरी वाली, वो क्या कहलाती है, पेलिकल कहलाती है, पेलिकल हो गया। तो पेलिकल क्या हो गई, ट्रोफोजॉइट के शरीर के चारों एक लचीली मजबूत पेलिकल होती है, और इसमें क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रूप से व्यवस्थित माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो सिकुड़ते और फैलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें। अब साइटोप्लाज्म देख लें, इनके अंदर ये पेलिकल की कवरिंग होगी, इसके बाद क्या है इनका साइटोप्लाज्म है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक तो हो गया बाहर वाला और एक हो गया अंदर। तो जो बाहर, ये इसके बीच में जो आप पेलिकल, ये पेलिकल हो गए, पेलिकल के बीच में ये स्पेस है, इसमें क्या है आपका जो इक्टोप्लाज्म है, और अंदर क्या है वो इंडोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो दो भागों में बटा होता है, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में बटा होगा। तो जो इक्टोप्लाज्म है वो कैसा होगा आपका, थोड़ा स्मूथ होगा, और जो इंडोप्लाज्म है वो दानेदार होगा। अब इक्टोप्लाज्म जो है फिर इसमें तीन लेयर पाई जाती है, मीन्स इक्टोप्लाज्म जो है वो फिर पुनः तीन भागों में बटेगा और उनमें तीन लेयर होंगी। तो पहले साइटोप्लाज्म दो भागों में बट गया, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, और इक्टोप्लाज्म जो है उसमें फिर तीन लेयर पाई जाएगी। फर्स्ट लेयर आपकी जो बाहर वाली लेयर हो गई वो क्या हो गई, ईपी मायोसाइट, बीच की क्या हो गई, सार्कोसाइट, और अंदर वाली जो लेयर है वो क्या हो गई, मायोसाइट। यानी पेलिकल के बाद, पेलिकल के बाद वाली जो, ये पेलिकल के बाद वाली जो लेयर हो गई वो क्या हो गई आपकी, ईपी मायोसाइट, और उसके बाद सार्कोसाइट, और उसके अंदर वाली लेयर क्या हो गई, मायोसाइट हो गई। मायोसाइट के बाद क्या आ गया आपका, इंडोप्लाज्म आ गया। अब इंडो जो इंडोप्लाज्म में, मायोसाइट में क्या होते हैं, पेलिकल से तो ये घिर गया, पेलिकल जो है वो उसके नीचे जो आपका ईपी सार्क है इसमें कुछ नहीं पाया गया, सार्कोसाइट में भी नहीं पाया, मायोसाइट में जो है वो लॉन्गिट्यूनल और ट्रांसफ़र, ये अंदर की तरफ, अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूनल और ट्रांसफ़र जो है वो क्या पाए जाएंगे, मायोनीम्स होते हैं। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी और ऐसे ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र, ये क्या है, मायोनीम्स हैं। तो ये किस में है, अंदर, यानी बॉडी इसकी, बॉडी से सबसे ऊपर जो बॉडी लेयर है वो क्या हो गई, पेलिकल की हो गई, उसके बाद जो है वो लेयर क्या हो गई आपकी, यानी वो साइटोप्लाज्म की लेयर हो गई। तो साइटोप्लाज्म के सबसे पहली जो लेयर हो गई वो क्या हो गई, ईपी मायोसाइट हो गई, उसके नीचे क्या हो गई आपकी, सार्कोसाइट हो गई, और उसके नीचे क्या हो गई आपकी, मायोसाइट। तो मायोसाइट में क्या होंगे, मायोनीमी, ये लंबे लंबे और ऐसे आड़े आड़े, यानी लॉन्गिट्यूनल और ट्रांसफ़र, ये फैले रहेंगे मायोनीमी। और ये क्या काम करते हैं, बॉडी को सिकोड़ने और फैलाने में हेल्प करते हैं, ये मसल्स की तरह, जैसे हमें मसल्स सिकोड़ती और फैलती है तो ये मसल्स की तरह काम करते हैं। तो मायोनीमी जो बॉडी को सिकोड़ने और फैलने में हेल्प करते हैं, यानी ये कैसे काम कर रहे हैं, मसल्स की तरह काम करते हैं। अब इंडोप्लाज्म में दूसरा क्या है आपका, इंडोप्लाज्म, तो इंडोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, पैराग्लाइकोजन के
और फैट की छोटी छोटी गोलिकाएं पाई जाती हैं, मीन्स इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर से, तो ये क्या है, पैराग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, यानी पैराग्लाइकोजन और फैट के छोटी छोटी कणिकाएँ या गोलियाँ होती हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है, फॉस्फोन्यूक्लियोप्रोटीन की गोलियाँ भी पाई जाती हैं। तो इसमें क्या, कभी कभी जो है फॉस्फोन्यूक्लियोप्रोटीन की गोलियाँ भी पाई जाती हैं, अकड़ पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स या वॉल्यूटिन कड़ कहते हैं। ये किसके बने होते हैं, फॉस्फोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। अब न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, आपका बॉडी के अगले सिरे में। तो शरीर के अगले सिरे के समीप जो है एंडोप्लाज्म में एक बड़ा अंडाकार वेसिकुलर न्यूक्लियस, यानी थोड़ा खोखला उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके बीच में क्या होंगे, बीच में एंडोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या बना लेते हैं, एंडोसोम बना लेते हैं, उन्हें हम एंडोसोम कहते हैं। तो एंडोसोम होते हैं और इसके चारों ओर जो है न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियस है वो किससे घिरा हुआ है, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये कैसी होती है, परफोरेटेड यानी छिद्रित होती है, ताकि इसका मैसेज और साइटोप्लाज्म से ये कनेक्ट कर सके, आदान प्रदान कर सके। तो मेम्ब्रेन कैसी होगी, छिद्रित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। बीच में क्या होगा, एक जो है एंडोसोम होता है, और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, एंडोसोम्स किससे बना हुआ है, आपके क्रोमोसोम से बने हुए हैं। तो इनमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो एक बार फिर से हम इनका स्ट्रक्चर दिखा दें आपको, मोनोसिस जो है वो कैसा जंतु है, पैरासिटिक है, और कैसा पैरासिटिक, इक्टो या इंडो पैरासाइट है, मीन्स ये इंडो पैरासाइट एनिमल है। और कहाँ पाया जाता है, केचुए की सेमिनल वेसिकल, यानी केचुए के शुक्राशय में, यानी जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जब वहाँ पे पाए जाएंगे तो ये क्या खाएगा, शुक्राशय में रहेगा, शुक्राशय में पाया जाता है तो शुक्राणुओं को खाएगा और वृद्धि करेगा। तो ये जो वृद्धि करता हुआ जो ट्रोफोजॉइट मोनोसिस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोजॉइट। तो ये क्या हो गया, एडल्ट ट्रोफोजॉइट। तो ये स्पाइंडल शेप होता है, मीन्स आगे की तरफ और पीछे की तरफ थोड़ा नुकीला होता है, बीच में चौड़ा होता है। अब इनकी बॉडी किससे घिरी हुई, इनकी बॉडी जो है वो पेलिकल से घिरी हुई है। इसके बाद इनके जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो दो भागों में बटा हो गया, एक इक्टोप्लाज्म, दूसरा क्या हो गया आपका, अंदर वाला जो दानेदार भाग होता है वो क्या कहलाता है आपका, इंडोप्लाज्म कहलाया। इक्टोप्लाज्म जो है वो तीन भागों में बटा है, मीन्स तीन लेयर उसकी है, कौन कौन सी आपकी, एपिमायोसाइट, दूसरी कौन सी होगी, सार्कोसाइट, और तीसरी होगी मायोसाइट। तो जो मायोसाइट यानी अंदर वाली जो लेयर है उसमें क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अंदर वाली लेयर है वो क्या बनाएंगे, मायोनीमी, मीन्स वो मायोनीमी, लंबी लंबी ये जो छड़ आप देख रहे हैं वो क्या हो गई, मायोनीमी, मीन्स अंदर जो है वो मायोनीमी की लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर जो है वो छड़ें ऐसे पड़ी रहती हैं, जो क्या काम करती हैं, बॉडी को सिकोड़ने और फैलने का काम करती हैं। अब जो इनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा हो गया, बॉडी के थोड़ा अगले सिरे पे। तो बॉडी के अगले सिरे पे क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, जो कैसा होगा, अंडाकार होगा, और किससे घिरा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होगी, परफोरेटेड होगी। और ये न्यूक्लियस कैसा होगा, वेसिकुलर, मीन्स आशय, इसमें बीच बीच में आशय रहेंगे, यानी वेसिकुलर न्यूक्लियस होगा, जो परफोरेटेड मीन्स इसमें छिद्रित, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्रित होगी। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म में पाया जाता है। अब एंडोप्लाज्म में और क्या चीज़ें हैं, एंडोप्लाज्म में आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन सा, यानी पैरा ग्लाइकोजन की छोटी छोटी, और वसा की यानी फैट बॉडी की छोटी छोटी जो है कणिकाएँ होती हैं, गोलिकाएँ होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है कि फॉस्फोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने वॉल्यूटिन कड़ भी पाए जाते हैं। अब जो यंग, ये तो एडल्ट हो गया, अब यंग बना जो ट्रोफोजॉइट है वो कैसा होगा,
उसमें किनारे वैसे सेम सभी चीज़ें वैसी होंगी, पेलिकल वैसी होंगे, आपके जो इक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म भी वैसे ही होंगे, सिर्फ इनका आकार क्या होगा, इनका आकार जो है वो छोटा होगा, मीन्स 5 माइक्रोन के होंगे और ये 500 माइक्रोन के होंगे। इनका आकार छोटा हो गया तो ये कैसे हो गया, माइक्रोस्कोपिक हो गया, मीन्स हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। और ये बहुत तेज़ी से शुक्राणुओं को खा के बड़ा होता है, मीन्स एडल्ट होता है, तो तेज़ी से शुक्राणुओं को खाते हैं तो ये टेल जो है शुक्राणुओं की यानी स्पर्म की टेल है वो बाहर रह जाती है और ये ऐसे हमें सीलिएटेड दिखाई देता है, जैसे लगता है कि चारों तरफ इसके सीलिया लगे हुए हैं। तो ये यंग ट्रोफिट, जब इसके सीलिया झड़ जाएंगे, हट जाएंगे, तब ये कैसा हो जाएगा आपका, इस तरह से एडल्ट दिखाई देगा। ये तो था इसका मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिजियोलॉजी। थैंक यू।